एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप करता अलीवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल कुलदीप्स बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल सेशन, और इसमें मैं करवा रही हूँ आपको फर्स्ट फ्लावर रेन वाटर फ्लावर। इस फ्लावर को करवाने का मकसद मेरा फ्लावर के पार्ट्स को समझाना है, और ये फ्लावर इजीली अवेलेबल भी होता है, और साथ ही हम कुछ नए टर्म्स सीखेंगे बॉटनी के रिगार्डिंग। फ्लावर के उनको करते करते, इसका डाइसेक्शन करते करते हम नए कुछ टर्म्स सीखेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रेन वाटर लिली जेफायरेंथस कैंडिडा। इसका साइंटिफिक नेम है, यानी कि बोटैनिकल नेम है, और फैमिली है अमराइलीडेसी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लावर को स्टडी करना और इसे समझना। ये है रेन वाटर लिली फ्लावर, और ये है इसकी पेडंकल। जो फ्लावर के नीचे ये डंडी होती है, इसे पेडंकल बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट हो तो उस फ्लावर को पेडिसिलेट बोलेंगे हम, पेडिसिलेट, और अगर ना हो तो सेसाइल, उस फ्लावर को बोलते हैं हम सेसाइल। बिना डंडी के फ्लावर को बोलते हैं सेसाइल, अगर हो तो पेडिसिलेट। तो पेडिसल से आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा पार्ट आता है इस फ्लावर में, या फिर सारे ही फ्लावर्स में क्या होता है कि पेडिसल के बाद जनरली सेपल्स आते हैं, और किसी किसी फ्लावर पे एपिसेपल्स, जो कि सेपल्स के नीचे वाला आउटग्रोथ होता है एक और, या फिर ब्रैकेट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि डायरेक्ट पेडिसल के बाद सेपल्स आते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा फ्यूज्ड हैं। अगर मैं आपको इसे फोकस करके दिखाने की कोशिश करूं तो भी ये नहीं दिखेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो पार्ट है थोड़ा आउटग्रोथ आपको दिख रहा है, नॉर्मल पेडंकल से जो इसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसमें जो है सेपल्स फ्यूज्ड हुए हैं। अगर किसी के सेपल फ्यूज्ड होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैमोसेपलस कंडीशन, और इसे केलेक्स भी बोलते हैं। जब सेपल्स हो कलेक्टिवली हम केलेक्स भी बोल सकते हैं, जो कि इस जगह पे फ्यूज्ड हैं, ये वाली जगह पे। तो हम इसे, इस कंडीशन को बोलेंगे गैमोसेपलस कंडीशन। और अगर ये फ्री होते, इजीली रिमूव हो सकते, अकेले अकेले आपस में इतने अच्छे से जुड़े ना होते, तो उस कंडीशन को हम बोलते पॉलीसेपलस कंडीशन। तो आगे बढ़ते हैं, पेटल्स आते हैं सेपल्स के बाद, नीचे से हम स्टार्ट होते हैं, हमेशा हमेशा पेडिसल के बाद सेपल आए थे, सेपल के बाद अब पेटल आ रहे हैं। जो पेटल से इससे थोड़ा सा ये जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे नीचे हमें लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है, और ऊपर जाते ही वाइट कलर दिख रहा है। तो थोड़ा सा इससे ट्यूब सा जनरेट हो रहा है, किसी किसी में प्रॉपर कोरोला ट्यूब बनता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पेटल्स की अरेंजमेंट किस तरीके से है, एक पेटल कम्प्लीटली अंदर की साइड है, एक पेटल कम्प्लीटली बाहर की साइड है। आप पेटल को अब हम ऐसे करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल बाहर है, जहाँ से देखो ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट भी बिल्कुल बाहर है, ये पेटल बाहर की ओर लग रही है, लेकिन इससे नेक्स्ट वाले जो पेटल है वो अंदर की ओर है, और ये पेटल बाहर है, फिर ये अंदर, बाहर अंदर, इस तरीके की अरेंजमेंट इस करोला में है, इस फ्लावर में है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखने से आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि एक पेटल जो है अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। टोटल 6 पेटल्स हैं, और 3 पेटल्स अंदर की तरफ है और 3 बाहर की तरफ है। तो हम लिखेंगे करोला 6, पेटल 6, और ये फ्यूज्ड नहीं है, फ्री हैं सबकी सब, सिर्फ बेस पे तो सभी पेटल्स को फ्यूज़ होना ही पड़ेगा, लेकिन वैसे ये पेटल्स अगर हम देखें तो फ्री हैं काफ़ी हद तक। अगर फ्री हो तो हम उसे कहेंगे पॉली पेटलस कंडीशन, पॉली का मीनिंग फ्री, और पेटल्स के लिए पेटलस कंडीशन हम बोल रहे हैं पॉली पेटलस। इसके बाद हम, ये तो थे दो नॉन एसेंशियल पार्ट्स, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है, नॉन रिप्रोडक्टिव
पार्ट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। फ्लावर के 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो यही वो 4 पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। सेपल हमने देख लिया कि इसमें फ्यूज्ड थे, और फिर हमने पेटल देखा, कार्पल वो फ्यूज्ड नहीं थे, फ्री थे, उसे हमने पॉली पेटलस कंडीशन बोल दिया। फिर हम पढ़ेंगे स्टेमन्स के बारे में, देखेंगे स्टेमन्स को देखेंगे और फिर कार्पल को। ये जो 2 नीचे वाले पार्ट्स हैं वो रिप्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन सेपल और पेटल का रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं है। तो 4 वर्ल्स होती हैं, 4 सर्कल्स बनते हैं। पहला जो सर्कल होता है सेपल का, फिर इसके अंदर पेटल का, फिर इसके अंदर स्टेमन्स का, और फिर इसके अंदर कार्पल का। तो इनको बोलते हैं हम 4 वर्ल्स। और जो फर्स्ट 2 वर्ल्स हमने कहा सेपल और पेटल, इनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल। और जो स्टेमन और कार्पल हैं, इनका रिप्रोडक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इन्हें हम बोलते हैं एसेंशियल वर्ल्स। चलिए आगे हम एक एक करके जो है पेटल को रिमूव करेंगे, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कितनी फ्यूज्ड हैं और कितनी फ्री हैं। अगर फ्री हैं तो इजीली जो है रिमूव हो जाएगी पेटल, और हो भी रही है। पहले हम आउटसाइड की वाली जो पेटल्स हैं उसे हम रिमूव उनको हमने रिमूव कर दिया। और एक और चीज़, जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है उसे हम बोल देते हैं एस्टिवेशन, अरेंजमेंट पेटल्स का। तो यहाँ पे कौन सा सेपल में भी होती है इसी तरीके से एस्टिवेशन, कि अरेंजमेंट किस तरीके का था। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि 3 पेटल्स अंदर की ओर थी और 3 बाहर की ओर थी, तो इस और ये एक दूसरे को अल्टरनेट कर रही थी, एक बाहर थी एक अंदर, और एक बाहर एक अंदर। तो उस तरीके की जो कंडीशन बनती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एस्टिवेशन। फिर ऐसे पेटल्स बिल्कुल भी अंदर बाहर की तरफ ना हो, सारी इक्वली आपको एक ही प्लेन पे दिखाई दे रही है बिल्कुल आपस में, तो उसे हम वॉल वेट एस्टिवेशन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे करते हैं, और हम बाकी के पेटल्स को भी रिमूव करते हैं, ताकि हमें एसेंशियल वर्ल्स जो हैं, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए, वो क्लियर से दिखाई देने लगे। और देखिए जो जो स्टेमेंस हैं वो पेटल्स के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, वो नीचे अटैच्ड हैं। अगर पेटल्स के साथ जुड़े होते तो एपिपेटलस कंडीशन होती, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अभी हमने सारे के सारे पेटल्स रिमूव कर दिए हैं, हम इसे साइड को एक साइड कर देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ये करते करते हमारा एक स्टेमन भी टूट गया है, तो ये रहा ये स्टेमन। 6 पेटल्स थी, एक स्टेमन टूट गया है, और 5 स्टेमन्स यहाँ पे अटैच्ड हैं। अगर 6 पेटल्स थी और स्टेमन्स भी 6 ही थे, ओके, तो चलो स्टेमन्स भी हमने काउंट कर लिए हैं। 1 जो गिर गया है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 स्टेमन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और 7th जो है जो कार्पल है। आगे हम ध्यान से इस स्टेमन को देखते हैं, ये स्टेमन की फिलामेंट है, और ये ऊपर वाला एंथर लोब है, एंथर लोब, ठीक है। ये जो एंथर लोब है ये काफ़ी वर्सेटाइल लग रहा है, तो हम इसे वर्सेटाइल टाइप का स्टेमन बोल सकते हैं, क्योंकि ये इजीली मूव कर रहा है इस पर फिलामेंट के ऊपर। जब स्टेमन इस तरीके से काफ़ी इजीली मूव कर सकता हो, स्विंग कर सकता हो फिलामेंट के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं वर्सेटाइल कंडीशन। और अगर डायरेक्ट ऐड है पीछे की साइड, डॉर्सल साइड पे ऐड होता है, अटैच हुआ होता है फिलामेंट एंथर पे, तो हम उसे बोलते हैं डॉर्सिफिक्स। और अगर बिल्कुल इसके बेस पे अटैच हो और मूव भी ना करे एंथर, तो उसे हम बोलते हैं बेसिफिक्स। ये हम सभी टर्म्स करेंगे जैसे जैसे हम और फ्लावर्स करते जाएंगे, आपको बॉटनी के ये टर्म्स क्लियर होते जाएंगे। ये समझने की बात ये है बेसिक जो है, कि एक तो हमने देखी यहाँ पे फिलामेंट और दूसरा एंथर। ये है फिलामेंट नीचे वाइट ग्रीन सी, और ऊपर ये येलो जो दिख रहा है, इसे मैं क्लियर करने की थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। जो येलो लोब दिख रही है ये है एंथर की,
तो ये दिख रहा है आपको एंथर, और फिलामेंट कलेक्टिवली हम इसे कहेंगे स्टेमन। अब हम वन बाय वन सारे के सारे स्टेमन जो हैं वो भी रिमूव कर देंगे, ताकि हमें सेंटर में जो है कार्पल वो इजीली क्लियर हो जाए। तो मैं जी हटा रही हूँ वन बाय वन सबके सब स्टेमन्स। मैंने सभी स्टेमन्स रिमूव कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेमन्स जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इस पेज पे। अब ये क्लियर है। अब 6 जो स्टेमन्स हैं आपको क्लियर हैं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस फ्लावर के स्टेमन्स का साइज़ भी बड़ा है, इसलिए मैंने ये फ्लावर चूज़ किया है और इजीली अवेलेबल भी होता है। अगर आपके सिलेबस में कोई और फ्लावर हैं वो भी आप इस तरीके से डाइसेक्ट कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि आप मुझे ये वाला फ्लावर डाइसेक्ट करवाइए, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। अब हम कहते हैं कार्पल को स्टडी। इसका जो कार्पल है, नॉर्मली जैसे कार्पल होते हैं उसी तरीके से स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। इसके स्टिग्मा के जो हैं वो 3 कॉर्नर बन रहे हैं। मैं इसे क्लियर करने की ट्राई करूँगी पहले फोकस करके। इसका जो स्टिग्मा है वो ट्राइफिड स्टिग्मा है, इतना क्लियर नहीं है क्योंकि वाइट कलर का होने के कारण इसका फोकस इतना अच्छा नहीं आ रहा। लेकिन इसके जो है मेनली आप ये समझ लीजिए, जहाँ पे स्टिग्मा फिर स्टाइल और नीचे ओवरी होती है, और इसके अंदर का अगर हमने डाइसेक्शन करना हो वो इस कैमरा से और विदाउट माइक्रोस्कोप पॉसिबल नहीं है। मैंने नीचे से थोड़ा जो ओवरी का पोर्शन था उसे ओपन करने की कोशिश की है, सेपल जो थे मैंने रिमूव करवा दिए। और जैसे ही मैंने ये ट्राई किया, साथ ही इसके जो हैं अव्यूल्स भी निकलने स्टार्ट हो गए इजीली। वाइट वाइट कलर के अव्यूल्स काफ़ी सारे निकल आए हैं। और जो जो फोर्सेप है जिसकी हेल्प से मैं ये डाइसेक्ट कर रही हूँ, वो अव्यूल्स से भर चुका है फोर्सेप का टिप। इसे हम फोकस करते हैं। इतना अच्छे से नहीं दिख रहा, तो चलिए ये मेनली जो पार्ट्स हैं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी स्टेमन के पार्ट, एंथर और फिलामेंट, एंथर फिलामेंट ये क्लियर हो गए। ये जो थे एसेंशियल पार्ट्स थे जो हमने बाद में डिस्कस किए, और इससे पहले हमने 2 नॉन एसेंशियल पार्ट डिस्कस किए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ से, ताकि मैं और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आपको इंटरनली ओवरी अव्यूज वगैरह को शो कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।